हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एजेंट। वेलकम टू टेक एविएशन। आज हम बात करने जा रहे हैं 2020 के एक बेस्ट बजट पीसी बिल्ट के बारे में। ये जो पीसी बिल्ट है वो बजट गेमर्स के लिए है। ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक इसमें जितने भी मैंने कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं वो बजट गेमर्स को ध्यान में रखते हुए ही यूज़ करे हैं। मैं मेरे चैनल पर गेम्स पीसीज एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करता हूँ। अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स पीसीज एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ में तो टेक एविएशन को सब्सक्राइब करें। इस बिल्ट में जो हम सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई इंटेक्स की तरफ से आती है। इसका मॉडल नंबर VP650P है। ये 18+ सर्टिफाइड पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई के अंदर आपको 24-पिन पावर कनेक्टर, एक 8-पिन ATX पावर कनेक्टर, 2 8-पिन PCIe पावर कनेक्टर, 7 SATA पोर्ट्स, 2 मोलेक्स और 1 FDD पोर्ट मिल जाते हैं। इस बिल्ट में जो हमने सेकंड कंपोनेंट यूज़ किया है वो है प्रोसेसर। ये AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 3600 प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है वो 6-core 12-thread के साथ में आता है, जो कि मोर देन इनफ है वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए। इस प्रोसेसर की जो बेस क्लॉक है वो है 3.6 GHz और इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो है 4.2 GHz। अगर बात की जाए मदरबोर्ड की तो मैंने इसमें जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो है ISROC की तरफ से आने वाला B450 स्टील लेजेंड, जो कि एक फुल ATX मदरबोर्ड है। ये फुली RGB मदरबोर्ड है और इस प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छा RGB मदरबोर्ड नहीं मिलेगा। ये जो मदरबोर्ड है वो आपको RGB और ARGB दोनों हेडर्स के साथ में मिलता है, यानी कि आप इसमें ARGB कैबिनेट और RGB कैबिनेट दोनों ही यूज़ कर सकते हो। मैंने जो इसमें कैबिनेट यूज़ करा है वो है ARGB। बात की जाए रैम की तो मैंने इसमें रैम यूज़ करी है एडाटा की तरफ से आने वाली XPG GAMEX D30 3200 MHz। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 32 MHz। इस रैम को आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। अगर बात की जाए स्टोरेज की तो जो मैंने यहाँ पर स्टोरेज यूज़ करी है वो है WD की तरफ से आने वाली WD ग्रीन, जो कि एक 240 GB की SSD है। ये एक SATA SSD है जो कि SATA पोर्ट में लगती है। मैंने M.2 SSD इस वजह से यूज़ नहीं करी क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें सेकेंडरी स्टोरेज की तो जो मैंने सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करी है वो है सेगेट की बेरिक्यूडा 2TB, जो कि मुझे स्टोरेज के लिए वीडियो एडिटिंग और स्टोरेज के लिए चाहिए थी। यहाँ पर जो हमने कैबिनेट यूज़ किया है वो है चिप्रोनिक्स की तरफ से आने वाला HX2000, जो कि एक फुली ARGB कैबिनेट है। इस कैबिनेट के फ्रंट में आपको 120mm के दो ARGB फैन सक्शन के लिए मिल जाते हैं और एग्जॉस्ट के लिए 120mm का ARGB फैन रियर में देखने को मिल जाता है। इसके टॉप पैनल में आपको पावर बटन, रिसेट बटन, LED बटन और 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 और ऑडियो के लिए और माइक के लिए सेपरेट पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जो हमने LED यूज़ करी है वो है LG की तरफ से आने वाली 20 इंच की LED। ये LED आपको VGA और HDMI दोनों पोर्ट का सपोर्ट दे देती है। इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो मुझे बाकी LED की मुकाबले बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी गेमिंग हो रही है इस पर। यहाँ पर जो मैंने ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया है वो है GigaByte की तरफ से आने वाला 1660 सुपर, जो कि एक 6GB का ग्राफिक्स कार्ड है जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 4000 MHz है। ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 2020 में बहुत अच्छी गेमिंग, स्ट्रीमिंग और वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करवा देता है। ये ग्राफिक्स कार्ड 4 पोर्ट के साथ में आता है। एक पोर्ट आपकी HDMI है, बाकी बची हुई 3 पोर्ट डिस्प्ले के लिए है।